आने वाले टाइम में एक और एक बीमारी आने वाली है, तेरे तेरे आदमी एक दो मिनट में अभी अच्छा था अभी क्या हुआ बोलेंगे, ऐसी बीमारी भी आने वाली है। ये सब क़यामत के आसार है, ये सब अपने करने के हरकत जो अपन लोग जो झूठ सही किसी की गीबत किसी की चोगली किसी की हसद जलन जो रखते ना, उसका नतीजा है आज सब लगा भुगत रहे। आज आने वाले टाइम में एक और एक बीमारी आने वाली है, तेरे तेरे आदमी एक दो मिनट में अभी अच्छा था अभी क्या हुआ बोलेंगे, ऐसी बीमारी भी आने वाली है। ये सब क़यामत के आसार है, ये सब अपने करने के हरकत जो अपन लोग जो झूठ सही किसी की गीबत किसी की चोगली किसी की हसद जलन जो रखते ना, उसका नतीजा है आज सब लगा भुगत रहे। आज ये लॉकडाउन का मसला है, लॉकडाउन में आप लोग भी जो है अल्लाह के वास्ते सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। ये नहीं कि वीडियोग्राफी कर लेते हुए घरों में व्हाट्सअपों पे ये सब बंद करो, ये एक दूसरे की नुकताचीनी करना भी बंद करो, सीधा सीधा नमाज़ों में अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ गिड़गड़ा के करके जो है ना ये कोरोना का खात्मा होना बोल के। अब ये फंगस बोल के भी एक नया निकला करते ब्लैक फंगस बोल के, ये सब नए नए बीमारियाँ आ रहे, आने वाले टाइम में एक और एक बीमारी आने वाली है, तेरे तेरे आदमी एक दो मिनट में अभी अच्छा था अभी क्या हुआ बोलेंगे, ऐसी बीमारी भी आने वाली है। ये सब क़यामत के आसार है, ये सब अपने करने के हरकत जो अपन लोग जो झूठ सही किसी की गीबत किसी की चोगली किसी की हसद जलन जो रखते ना, उसका नतीजा है आज सब लगा भुगत रहे। आज लिहाजा जो है मेरी पूरी आवाम से अपील है, पूरे भाइयों से बहनों से अपील है कि आप लोग ये सब चीज़ें बंद करके अल्लाह से दुआ करिए और नेक नियति से ज़िंदगी गुजारिए। आप उसके बाद ना कोई बीमारी करीब आती घर तक, ना कोई परेशानी आती, खुश खुर्रम रह सकते अपन, अपनी औलाद भी सही रह सकती। ये सब छोड़ दो, व्हाट्सअप फेसबुक ये सब चीज़ें शैतानी चीज़ें हैं, अपन काम से फ़ोन यूज़ करना उसके बाद बाजू फेंक देना उसको। लिहाजा आप लोगों से मेरी अपील है आप लोग भी नमाज़ा पढ़िए, दुआ करिए अल्लाह से, ये सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाती, कोई परेशानी करीब नहीं आती। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लाइडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंसर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9000975209 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुर।